10 से 12:30 बजे का टाइमिंग है, आप सब आए अपना वोट जरूर करें। 10 बजे आ जाना गाइस, आप वोट करिए, है ना। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, एकेडमिक ब्लॉक नंबर 2। पूरा इलेक्शन है ना, ये देखो एबीवीपी गाइस, एबीवीपी हर जगह एबीवीपी, ये देखो। सो गाइस, आई एम इन द कॉलेज राइट नाउ एंड सुबह सुबह मुझे भूख लग गई थी, है ना, तो कॉलेज थोड़ा जल्दी आ गया था, तो आज मैं लाइक आलू का पराठा ले रहा हूँ अपने लिए, तो आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है वगैरह वगैरह, खाना पीना कैसा रहता है ना। तो आलू का पराठा विद मक्खन मार के एंड छोले भी है इसके अंदर, कितनी अमेजिंग बात। अच्छे से। सो गाइज, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स अमेजिंग फूड, लाइक आलू का पराठा आई पर्सनली लव्ड इट विद मक्खन, ओके, जो बटर बोलते हैं, एंड बटर भी आप कह सकते हैं पूरा देसी है पूरा, है ना, तो ये भी खाने में टेस्टी लग रहा है। एंड ये छोले, इसका भी अभी मैं अभी टेस्ट बताता हूँ। ब्रिलियंट गाइस, यहाँ के छोले भी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी टेस्टी है, मैं इनकरेज करता हूँ, बट यहाँ पे पाव भाजी वगैरह मत ले लेना गलती से भी, है ना, उसका लाइक मैंने खाया था उस दिन तो पानी पानी जैसा लग रहा था, है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी है, लाइक यहाँ पे छोले अच्छे हैं, छोले चावल, ये मैंने 40 रुपये के लिए आलू का पराठा, खाने में इट्स अमेजिंग, बस ये बताना चाहूँगा। हमने खाना पीना कर लिया अच्छे से, है ना, और आप ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल इधर अच्छे से रनिंग वगैरह हो रही है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो क्रिकेट के लिए, बास्केटबॉल का भी है, सही है गाइस, और वॉलीबॉल के भी अभी पहुंचे हैं। गाइस वेदर देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है, इट्स अमेजिंग वेदर गाइस, अच्छा वेदर हो रहा है, लाइक बारिश होने के पूरे आसार दिख रहे हैं, है ना। चलो अब हमारी जीई की क्लास है, वो मैम को बोल देंगे 10 मिनट में आ जाएंगे, चलो कोई ना, चलो इसको मैं यही रख देता हूँ, ओके बाय। स्क्वायरल गाइस, यहाँ पे काफी सारी स्क्वायरल्स हैं, तो नेचर इज वेरी गुड यहाँ का, है ना, स्क्वायरल्स है अच्छे अच्छे, एंड पॉलिटिकल सिनेरियो भी अच्छा है यहाँ का, इतना बुरा भी नहीं है, है ना। सो गाइस वी वर लाइक, अभी मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का कवरेज कर रहा था, तो आप देखिए हमारे साथ हर्ष डेडा हमारे प्रेसिडेंट है ना कॉलेज के। आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो आप बताएंगे थोड़ा सा, लाइक कल इलेक्शन है, आप कुछ बताना चाहते हैं, बट प्रमोट करेगी वोटिंग वगैरह कैसे, कितना बजे है वगैरह? 27 को इलेक्शन है, 10 से 12:30 तक वोटिंग होगी, एंड यू गाइज हैव टू ब्रिंग योर फर्स्ट ईयर्स को अपनी आईडी कार्ड तो है नहीं, तो फी स्लिप पे अपनी फोटो अटैच करके, एंड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, इधर आधार कार्ड और ड्राइविंग कार्ड, और जो सेकंड थर्ड ईयर्स है उनके आईडी कार्ड रिन्यूड होने चाहिए, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो सेम जो फर्स्ट ईयर्स कर रहे हैं वो सेकंड और थर्ड ईयर्स भी कर सकते हैं गाइस, तो प्लीज बैलेट नंबर 2221 वोट करने आना, 2221 गाइस, ओके 221 2221 2 फॉर प्रेजिडेंट, 2 फॉर वाइस प्रेजिडेंट, 2 फॉर सेक्रेटरी, 1 फॉर जॉइंट, 1 फॉर जॉइंट। चलो अच्छा लगा आपसे मिलकर, है ना, 10 बजे हो गया ना कल? हां 10 बजे आ जाना गाइस, आप वोट करिए, है ना। चलो हेलो गाइस, अभी मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आया था कुछ पढ़ने हमारी, लाइक हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड उसी बीच ये भैया मिल गए, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, पंकज कुमार गुप्ता जी है, और आप बताइए, क्योंकि हम अभी देखिए लाइब्रेरी में है ना, तो हम अभी लाइब्रेरी में है, तो शोर से ज्यादा पढ़ नहीं सकते थोड़ा, है ना, तो आप फिलहाल बता दीजिए लाइब्रेरी में कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह, कुछ और भी चीजें, वाईफाई वगैरह कह रहे थे, थोड़ा सा ना आप इलैबोरेट कर दो हल्का सा, क्या क्या लाइब्रेरी में स्किल कैपेसिटी बढ़ाएंगे इस बार, हमारी कुछ बुक्स हुए बच्चों को, इसी बनने के बाद बच्चे रिटर्न नहीं करते, सेमेस्टर बीत जाते पर बच्चों को किताबें नहीं मिलती, किताबें नहीं मिलती, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे हम इस बार यूनियन साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इन कैंप लाइब्रेरी कैंपस में, लाइब्रेरी के अंदर एसी लगाने का पूरा कोशिश करेंगे कि एसी हम लगवा दें लाइब्रेरी के अंदर,
इस बात की कोशिश करेंगे। और रही बात वाईफाई कैंपस की, तो हमारा मेन फोटिंग में इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा कॉलेज कैंपस ही वाईफाई मिले, ना कि सिर्फ लाइब्रेरी। चलो अच्छी बात है। तो गाइस आप वोट कर सकते हैं, लाइक कल 10 बजे होगा, 37 पे ना, 37 को वोट है, 37 को वोट है, कल 10 से 12:30 बजे तक की टाइमिंग है। आप सब आए अपना वोट जरूर करें, क्योंकि वोट करना आपका राइट है, और आप अगर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करोगे तो हमें 200 में एप्लीकेशन भी मिल सकती है, चलो अच्छी बात है। तो डूसू का भी आप बता दीजिए, थोड़ा बात आ गई तो हल्का सा बता दीजिए, फंड रेज होने के बाद उसके फ्यूचर प्लान्स होंगे। अगर हमारे कॉलेज में डूसू आता है तो यूनियन को थोड़ी पावर ज्यादा मिलती है, जिससे हम काम और स्मूथली करा सकते हैं बहुत आराम से, और डूसू मिलने पे हमारे फंड भी कॉलेज के होते हैं, जिससे आसानी काम करने में। ज्यादा ज्यादा वोटिंग करना आपका अधिकार है, और अगर आप ज्यादा वोट करते हैं तो आप अगर वोट करोगे तो हमने हमसे सवाल भी पूछ सकते हो, तो वोट जरूर करना आगे। चलो तो अच्छा लगा भैया से, है ना, ओके। आप वोट कर देना, वोट इज नेसेसरी, आप आना जरूर वोट करने, है ना, भली क्लास नहीं है बट आना जरूर, ओके। चलो बाय गाइस। तो दिस इज मीडिया प्रोडक्शन सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड ऑल, है ना, तो ये अच्छा है। तो मास कम्युनिकेशन एंड उसके ऊपर यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है, तो ठीक है, अच्छा लगता है गाइस। यहाँ से एंटर करते ही मैं यहाँ से लाइक अनडिस्कवर्ड पोर्शन है पूरा, है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉकर्स वगैरह रखे टीचर्स के लिए, है ना। तो सो दिस इज द अनकवर्ड, लाइक ये मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये देखिए मैम, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया था, है ना, और ये धागे वगैरह लटक रहे, पता नहीं क्यों लटक रहे हैं। ये तो पूरा मदरबोर्ड है भाई, पूरा कंप्यूटर, सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर भी पड़ा हुआ है डिस्पेंटर पुराना वाला। तो हाँ ये चीज़ें ख़राब हो चुकी है गाइस, तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, अदरवाइज होती नहीं, है ना। एनीवे डो रहे भाई, और पृथ्वी क्या कहना चाहेगा, सिस्टम खराब है इसका, देखो पूरा पूरा कांच वगैरह भी गायब है गाइस। भास्कर मिनी व्लॉग्स करके, बट आप DU ब्रेक करके डाल लेना, मेरी वीडियोस आ जाएंगी, है ना। तो दे आर माई सब्सक्राइबर्स गाइस, ओके, तो आप बताना आपको कैसा लगा, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे दिखानी जरूरी लगा मुझे, कि स्कॉलरशिप वगैरह का है ना। सो गाइस ये हमारा स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट था, है ना, तो कभी कभी रहते हैं काफ़ी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे रहती है, लाइक दिल्ली का लाइक अलग वो है पोर्टल स्कॉलरशिप के लिए, NST है नेशनल वाला, पूरा सेंट्रल लेवल पे। तो शेड्यूल कास्ट OBC एंड ST कास्ट के लिए आप स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, ये ऊपर ही है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से आप आएंगे पूरा, हेलो एंड आप वहाँ से जाके एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको अच्छे से दिखा दिया, है ना, उसके बाद सारी चीज़ें वो आपको गाइड कर देंगे। स्कॉलरशिप का हेलो गाइस, आप 27 को वोट करें, 221, हम ABBC से आपके भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, प्लीज वोट सपोर्ट 221, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो सी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ABBP एंड अच्छा लगा काफी, काफी फ्रेंडली नेचर है, एनवायरनमेंट अच्छा है कॉलेज का, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं, और लाइब्रेरी भी अच्छी है यहाँ की, लाइक देखिए कितनी अच्छी लाइब्रेरी है पूरा। एंड अगर ABBP जीत जाती है तो उनके वादे ठीक है, वादे पूरे करेंगे तो हम भी पूरे अच्छे से लाइक अच्छे मन से वोट देंगे गाइस, है ना। अच्छा सा फ्लैग है हमारा, इंडिया फ्लैग, ठीक है, और हमारा अच्छा सा कॉलेज है, एरिया काफ़ी पीसफुल है ना। तो खैर अभी क्लासेस वगैरह ओवर हो गई है गाइस, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का लेवल दिखा तो गाइस, है ना, हालांकि चलो चीज़ कोई ना, वो देखिए गाइस पूरा, हाय गाइस, किधर किधर, वो देखिए पंकज गुप्ता को वोट देना है गाइस, हेलो दिखा दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, तू दिखा, दिखाओ क्या, लाइक अभी मैं स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट का वो दिखाया था अभी व्यूअर्स को, जो नए नए आते हैं फ्रेशर्स होते हैं ना, तो उनको वो वाला एरिया दिखाया मैंने, तो वो एरिया पूरा ब्लॉक नंबर 2 है आपका, है ना, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, एकेडमिक ब्लॉक नंबर 2, ठीक है।
तो चलो गाइस, अच्छा है ये वाला सीन है ना, फुल वाइब बोर्ड कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है, चलो बढ़िया कंटेंट आएगा इलेक्शन पे, चलते है ना, बाय बाय। वोट दोगे कल? हर्ष डेडा हाँ, मिलेगा अच्छे से, चलो तो वोट अच्छे से दीजिएगा गाइस। चैनल का नाम भैया भास्कर मिनी व्लॉग्स करके है, आप डीयू ब्रैक भी डाल दोगे, मेरी वीडियोस आ जाएंगी नीचे एक दोस्त है ना, तो दे आर माई सब्सक्राइबर्स टू। अब हम घर जाएंगे, और हाँ थोड़ा लाइक जल्दी घर निकल जाया करो, यहाँ पे लाइक 5 बजे के बाद रुकना सेंस नहीं बनाता, बट हाँ अगर फ्रेशर्स पार्टी वगैरह तब तो रुक लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट मैं व्यूअर्स से ये बोलूँगा, तो क्लासेस वगैरह ओवर हो जाती है, कोशिश करो 5 बजे से पहले कॉलेज से निकल लो अपने घर के लिए, है ना, क्योंकि बाहर के एरिया भी थोड़ा देख के चलना पड़ता है आप लोगों को, है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नहीं पता कि डूसू का क्या सीन है, तो कॉलेज का अलग पूरा इलेक्शन होता है, देन डूसू में क्या होता है, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस है उसका इलेक्शन होता है पार्टीज का अलग अलग, तो ABVP हमेशा से लीड करती आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अगर वो डूसू का इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो हमारा ऑफ कैंपस का जो ये बच्चे कहते हैं कुछ चीज़ें बेंचेस वगैरह AC वगैरह है ना, पानी का कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट ऑल द वे टीचर्स गुड है, पढ़ाई अच्छी है, बट हाँ तो कुछ चीज़ें हैं, इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगी गाइस, बहुत तेज़ी से होगी, तो हमारा लाइक ऑफ कैंपस भी लाइक साउथ कैंपस के लाइक आसपास तो आ ही जाएगा गाइस, है ना, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, बाकी कॉलेज अच्छा आ रहा है। एडवर्टीजमेंट लेवल देखो कल पूरा लाइक नॉर्थ कैंपस वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, बट हाँ अच्छा है, इलेक्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ, ABVP इलेक्शंस का कलर अच्छे से दिखाऊंगा आपको, है ना, हर जगह वही है ABVP एंड उस साइड थोड़ा NSUI का भी होगा। आपके NSUI वाले चालू हो गए सारे, ठीक है, NSUI का बैनर मोस्टली यहाँ पे लगा हुआ है, एंड कॉलेज के जस्ट साइड पास वाले एरिया पे ABVP का है, तो ABVP NSUI का एडवर्टीजमेंट लेवल भी अलग लेवल का है। चलो अगर ABVP लाइक डूसू में जीत जाती है, जो सेंट्रल लेवल पे होता है, लाइक पूरे कॉलेजेस का होता है मेनली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी होते हैं ना, हाँ 80-70 कॉलेज जितने भी है, तो उसका एक बार जीत गई ना तो हमारा ऑफ कैंपस अच्छा हो जाएगा, काफ़ी नाम हो जाएगा और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा गाइस, है ना, चलो और बाय गाइस, चलो इतना ही था।